आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती। संगीत सरिता। पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर परंपरा। श्रोताओं, आज सुनिए इस श्रृंखला की पांचवी कड़ी। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं सुपरिचित शास्त्रीय गायक डॉ. विद्याधर व्यास। पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी के जमाने में स्थिति यह थी कि राग संगीत का जनसामान्यों को कोई परिचय नहीं था। संगीत की महफिलें राज दरबार और सरदार साहूकारों की कोठियों पर हुआ करती थी। वह समय और काल ऐसा था जब रागदारी संगीत को सामान्य श्रोता व संगीत रसिक अपने समझ के परे समझते थे। ऐसा भी माना जाता था कि यह राग संगीत समाज के कुछ विशिष्ट और धनी लोगों के लिए ही है, जो ही केवल इसे समझ सकते हैं और सुन सकते हैं। पंडित विष्णु दिगंबर जी ने इस तरह की गलत धारणा को नष्ट करने का प्रयास किया। उन्होंने स्वयं और अपने शिष्यों के द्वारा यह बात विशेष रूप से सामने लाने का प्रयास किया कि हमारा यह राग संगीत हमारी अपनी सांस्कृतिक धरोहर है और जो भी कोई चाहता है इसे समझ सकता है और सुनकर आनंद प्राप्त कर सकता है। पंडित जी ने शास्त्रीय राग संगीत सामान्य जनों को सुलभ कराने की दिशा में प्रयास किए। उन्होंने संगीत प्रेमी व अभ्यास इच्छुक लोगों के लिए संगीत विद्यालय गांधर्व महाविद्यालय की स्थापना की। संगीत की महफिलें आम लोगों के लिए शहर शहर के बड़े थिएटरों में आयोजित की, जहां कोई भी रसिक टिकट लेकर प्रवेश पा सकता था। संगीत रसिक किंतु संगीत शास्त्र से अनजान लोगों को पंडित जी ने भक्ति रसयुक्त रचनाओं को विविध रागों में बांधकर ऐसे रागों से परिचित कराया। खुले आकार में गायन, शुद्ध व स्पष्ट शब्दोच्चार, सुध मुद्रा, सुध वाणी तत्व से राग स्वरूप की अवतारणा और आलाप बोल तान की विविधता से राग और गायन प्रस्तुति, इन विशेषताओं से पंडित पलुस्कर जी और उनके शिष्यों ने लोगों पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। इसी क्रम में अब सुनते हैं पंडित ओमकारनाथ जी ठाकुर का गाया राग देसी तोड़ी। Ah
कदमेगी जय प्रस्तुत है पंडित डी वी पलुस्कर जी का गाया राग कामोद। तुम से हमारे
सदिना घर पर चुना मोरे नैना गाना लागे रे मोरे नैना गाना लागे रे मोरे पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर परंपरा, ये थी इस श्रृंखला की पांचवी कड़ी। प्रस्तुत कर रहे थे सुपरिचित शास्त्रीय गायक डॉक्टर विद्याधर व्यास। अब आज का संगीत सरिता कार्यक्रम समाप्त होता है। विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता छाया गांगुली। I'm not a man.